महाराष्ट्र के अहमदनगर के श्रीरामपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मुस्लिम लड़की से एक महीने पहले लव मैरिज करने पर दीपक बर्डे नाम के युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। दीपक का पहले किडनैप किया गया और फिर उसकी हत्या करके शव को गोदावरी नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक लड़के का पहले किडनैप किया गया और फिर उसकी पिटाई की गई, इसके बाद हत्या करके उसके शव को गोदावरी नदी में फेंक दिया गया। पुलिस नदी में शव की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र में भाजपा के विधायक नितेश राणे ने इस मामले में जनाक्रोश मोर्चा निकाला था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और गायब युवक की तलाश में जुट गई। बता दें कि मृत युवक दीपक बर्डे पिछले 5 दिन से गायब था और इसको लेकर 2 बार पुलिस अधीक्षक अहमदनगर कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया था। इससे पहले हैदराबाद में बीच सड़क पर हिंदू युवक को मार डाला था क्योंकि उसने मुस्लिम लड़की से शादी की थी। अब मुस्लिम लड़की से हिंदू युवक के शादी करने पर पहले किडनैप किया गया और फिर उसकी पिटाई की गई, इसके बाद हत्या करके उसके शव को गोदावरी नदी में फेंक दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईआन टीवी।